हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी C67 5G फ़ोन है, तो रियल मी C67 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप कैसे देख सकते हैं और प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह आप कैसे देख पाएंगे रियल मी C67 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप कैसे देख पाएंगे रियल मी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे। बैक करते ही बैक जाना है आपको, फाइल्स पे चले जाना है, जिसमें प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हैं एंड आप शो कर सकते हैं प्राइवेट फ़ोटोज़ को। तो देखते हैं किस तरीके से प्राइवेट फ़ोटोज़ आप देख पाएंगे और शो कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ गया इसमें फाइल ऑप्शन। तो जैसे कोई भी प्राइवेट फ़ोटो से आप हाइड कर देंगे, इस तरीके से छिपा देंगे मूव टू सेफ फोल्डर करके, तो आप इनको कैसे शो कर सकते हैं और देख सकते हैं फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो सिंपली सेव फोल्डर का ऑप्शन है आपके फ़ोन में शो कर जाएगा, जहाँ से प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं एंड आप शो भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी प्राइवेट फ़ोटो देखने, तो सेव फोल्डर पे जाना है, इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है जहाँ से प्राइवेट फ़ोटो उसको आप शो कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनको वापस स्क्रीन पे भी मूव आउट कर सकते हैं एंड आप देख पाएंगे प्राइवेट फ़ोटोज़ को, और आप चाहें तो इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट फ़ोटोज़ को, आप इस तरीके से परमानेंट डिलीट हो जाएगी, और देखना चाहें तो शो कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।